सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ यार व्लॉग। सब करता हूँ सारे भाई बढ़िया हो गए, मैं ही बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं कराया तो। तो यार चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने पुरानी वीडियोस मेरी देखी होगी जिसमें हमने बात करी थी हज़ार्ड फ्लैशर वगैरह के बारे में, जिसमें 16 पैटर्न वगैरह के चलते हैं वो, जिसकी लास्ट वीडियो में यहाँ पे आई बटन दे दूंगा उस पर देख लेना। उस 16 पैटर्न का जो हज़ार्ड फ्लैशर आता है उसमें हमने जो बल्ब यूज़ करे थे इंडिकेटर बल्ब, वो हमने नॉर्मल हैलोजन बल्ब होते हैं। तो यार बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे यार इसमें LED बल्ब भी लग सकते हैं क्या वगैरह वगैरह, मतलब उससे रिलेटेड, तो उसकी आज स्पेसिफिक वीडियो में लेकर आ गया हूँ। तो चलो इस वाली वीडियो में हम उसी के बारे में सारी बातें करने वाले हैं। यार ये देख सकते हो इधर खड़ी है अपनी बाइक, और ये हमने लास्ट वीडियो जो थी वो ये हज़ार्ड फ्लैशर के ऊपर थी कि ये जो वाला बटन हमने स्विच इंस्टॉल करा था ये था। और देखो इस टाइप से अभी कुछ मतलब हज़ार्ड फ्लैशर इसके जलते दिन में आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा अभी, मतलब नाइट में थोड़ा अच्छा दिखता है, ये दिन में थोड़ा ऐसा दिख रहा है। तो इसके अंदर जो बल्ब इंस्टॉल है ना आज हम यही चेंज करने वाले हैं, मतलब ये जो ये बल्ब वो हैं जो कंपनी की तरफ से हैलोजन बल्ब जो आते हैं ये वो वाले हैं, और हम इसकी जगह आज हम इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं ये LED बल्ब। LED इसमें ये देख सकते हो इनको नॉर्मली हम ना 360 डिग्री LED बल्ब बोलते हैं ये, और जो अपना एम्ब्रेन कलर होता है इसको वैसे तो ऑरेंज नॉर्मली ऑरेंज बोलते हैं, पर इसको वैसे ऑफिशियली नाम इसका एम्ब्रेन होता है, जो मतलब इस ये जो अपना नॉर्मल हेलोजन बल्ब का कलर होता है ना यही कलर मिलता जुलता होता है, बाकी इससे लाइट होता है बस यही। तो इसी को हम रिप्लेस करने वाले हैं आज। तो यार जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूं मार्केट में बहुत सारे LED बल्ब आते हैं, ये इससे थोड़े लो क्वालिटी के भी आते हैं और इससे थोड़े और अच्छे क्वालिटी के भी आते हैं। इसमें एक थोड़े अच्छे सिमटेक कंपनी वगैरह के भी आते हैं जिसकी कॉस्टली थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये आया हमें 50 रुपीज़ का एक बल्ब आया, मतलब 200 रुपीज़ का पेयर आया चार का। और बाकी अगर अच्छे की बात करें तो सिमटेक वगैरह के आते हैं वो 600 का पेयर आता है, और बाकी इससे हल्के में चले जाएंगे तो फिर जैसे आप भी समझते हो मार्केट का रेट है तो अलग अलग चलता है, 20 रुपये का भी आता है 25 रुपये का भी आता है, वो क्वालिटी वाइज रेट रहता है उनका। तो आज हम इन्हीं को रिप्लेस करने वाले हैं। तो रिप्लेस करने के लिए हमारे ज़्यादा कुछ प्रोसेस नहीं है, ये देखो जैसे अपना ये नॉर्मल इंडिकेटर है, इंडिकेटर के जस्ट आप नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर एक स्क्रू रहता है, हमें इसको ये देखो आप कैमरे में कैप्चर हो रहा होगा शायद, बस ये एक स्क्रू खोलना रहता है हमें, वो खोल के नॉर्मली बल्ब बाहर हो जाएगा। चलो मैं आपको इंस्टॉलेशन का प्रोसेस भी बता देता हूँ अभी, मतलब पूरी वीडियो में उसी का प्रोसेस बताऊँगा, तो वीडियो में बने रहना। तो यार लास्ट वीडियो में मतलब जो हमने हज़ार्ड फ्लैशर की इंस्टॉलेशन की वीडियो बनाई थी उस पर उस वीडियो पर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि यार हमें उसका रिले वगैरह भी चेंज करना रहता है क्या, तो के जो कंपनी से रिले आता है उसमें काम हो जाता है। तो यार उन लोगों को बता दूं कि जो कंपनी से मतलब आजकल जो नए मॉडल्स की गाड़ियाँ आ रही है ना, मतलब 2022 के बाद बोल रहे 23 में, तो उनके जो रिले वगैरह होते हैं वो मतलब इतनी पावर आती है उनमें कि मतलब वो हज़ार्ड फ्लैशर इंस्टॉल, जो पुराने मॉडल्स की बाइक होती है अपनी उन चीज़ों में मतलब उन बाइक्स में जो हज़ार्ड फ्लैशर मतलब रिले आता है उसमें आपको रिप्लेस करना पड़ता है। तो ये तो अपनी नए मॉडल की बाइक है तो इसमें रिप्लेस करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे जो पुराना वाला रिले है वही वर्क कर जाएगा इसमें। तो चलो बस इसको इंस्टॉल करते हैं फटाफट। यार ये देख सकते हो ये नॉर्मली एक स्क्रू ड्राइवर होता है, हो गई ठीक। ये देख सकते हो ये इस टाइप से स्क्रू नीचे आ जाता है और ये इस टाइप से इसका कैप बाहर आ जाता है, और ये अपना बिना कैप के कुछ इस ऐसा दिखता है। तो हमें कुछ नहीं करना, ये अपना जो इसको रखेंगे हम साइड में, और ये जो अपना नॉर्मल LED बल्ब है इधर ले आओ थोड़ा पास में। तो हमें इसको रिप्लेस कैसे करना होता है, ये देख सकते हो इसका कैप अभी हमने खोल लिया है, और ये इसको हटा के बाहर से कुछ नहीं करना, जो अपना घर का बल्ब होता है ना उसी टाइप से ये बाहर निकल जाएगा, मतलब आप अगर घर पर अपने ये बाइक में चेंज कर रहे हो तो वैसे इसमें दिख जाएगा, हो सकता है कैमरे में कैप्चर ना हो रहा हो, पर इसको नॉर्मली हम ऐसे हल्का सा राउंड करके ये बाहर आ जाता है, ये देखो इस टाइप से कुछ बाहर आ जाएगा ये, और जिस साइड से ये बाहर आया है ना ये देखते हो इसमें इसको बोलते क्रॉस पिन, जो एक साइड से मतलब दूसरी साइड होती है इस टाइप से होती है। तो मतलब इंस्टॉल होने के लिए इतना कोई खास प्रोसेस नहीं है, इसको हम वापस अपनी जगह पर लगा के ये इस टाइप से इंस्टॉल हो गया और ये छोड़ सकते हैं, मतलब ये देखो। और कंफर्मेशन के लिए इसको अभी हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर ये हमने चाबी चालू करी,
और ये देखो ये कुछ इस टाइप से वर्क करता है। और ये नॉर्मली वाला देख सकते हो, अब इसको वापस अपन फिट कर देते हैं। बने चालू रहने बने। तो यार ये देख सकते हो यहाँ पर अभी हमने इंस्टॉल कर दिया, पास से दिखा देता हूँ अभी, दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो इसमें ये अपना एलईडी बल्ब लगा हुआ है, दिख रहा होगा कैमरे में कैप्चर ही हो रहा होगा। और इसमें अपना हेलोजन बल्ब लगा हुआ है नॉर्मली वाला। तो अभी हमने एक तो लगा दिया है, और अपना जो नॉर्मल हेलोजन बल्ब आता है वो देखो कुछ इस टाइप से आता है, ये वाला जो मतलब कंपनी फिट बोल सकते हैं जिसको, ये वाला आता है। तो इसी से हम रिप्लेस करने वाले हैं, एक तो अभी हमने कर दिया, बाकी अब अगर बाकी रिप्लेस करके दिखाऊंगा तो हम वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो वो रिप्लेस करके नहीं दिखाता, मैं डायरेक्ट रिप्लेस करके आपको आगे मिलता हूँ। सर ये देख सकते हो हमने सभी फाइनली रिप्लेस कर दिया, मतलब ये चारों इसके अंदर पॉलिथीन के अंदर रख दिए मैंने। ये नॉर्मल अपने हेलोजन बल्ब है जो कंपनी फिट आते हैं, और ये हमने अभी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए अपने जो 360 एलईडी बल्ब आते हैं। सर देखो इसका लुक अभी फ़िलहाल को जिस तरीके से दिख रहा है, अभी दिन में देखो उजाला हो रहा है, तो इतना हो सकता है कैप्चर ना हो रहा हो। पर ये देख सकते हो इसके अंदर ये जो अभी हमने मैंने आपको बल्ब दिखाया था, ये था, ये फ्रंट लुक है और ये बैक साइड है। अब यार इसका सारी बात आती है कि इसका फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। अभी पहले ये देख सकते हो ये अभी अपने हज़ार्ड फ्लैशर जल रहे हैं दोनों तरफ आगे पीछे, और अब मैं ये हज़ार्ड फ्लैशर हमने की ऑफ, अब ये नॉर्मल इंडिकेटर्स दिखाता हूँ आपको। ये नॉर्मल इंडिकेटर्स भी कुछ इस टाइप से वर्क करता है, मतलब ये इसको बोल सकते हैं थोड़ा फास्ट वर्क करता है नॉर्मली जो हेलोजन बल्ब होते हैं अपने उसके कंपेरिजन में। ये अपना लेफ्ट का इंडिकेटर, मतलब हाँ लेफ्ट का इंडिकेटर हो गया और ये राइट का इंडिकेटर हो गया। तो ये चीज़ है, मतलब ये देख सकते हो नॉर्मल हेलोजन बल्ब से थोड़ा फास्ट वर्क करता है और इसका ब्राइटनेस भी ज़्यादा होती है। तो अब सारी बात आती है कि इसका एक नाइट का शॉट भी है, तो नाइट का शॉट भी मिलेगा आपको इसके बाद। ये देख सकते हो इस वाली वीडियो में यही था, करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ भाई शेयर ज़रूर कर देना ये वीडियो। और एक चीज़ और यार, अगर आपको और अपनी बाइक से रिलेटेड और किसी भी मॉडिफिकेशन से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ऐसी मॉडिफिकेशन से रिलेटेड वीडियो मैं लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार।